डियर मिस्टर ब्रायन बॉयड, मुझे यकीन है अब तक आपको पूरी खबर मिल गई। डियर मिस्टर जेम्स, आपके बेटे अल्बर्ट के समय से पहले मेरे कहे हुए शब्द आपका दुख कभी भी कम नहीं कर सकते। हमारे घर में उसकी कमी हमेशा खली। वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही था और उसने अपना काम पूरे विश्वास के साथ की बात किया। नहीं है कि हम इस युद्ध के एक बेहद जरूरी ऑपरेशन का हिस्सा थे। एल की वजह से हम सब साथ थे। वो बिना किसी शिकायत का हम एक ऐसे रास्ते पर थे जहाँ से 4000 दल गुजर चुके थे। आपके पति ने दुश्मन का डटकर सामना किया अपनी जान की परवाह किए बगैर, और वो हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे। और उनके जैसे वीर योद्धाओं को खोने से रेजिमेंट को नुकसान पहुंचा। मैं समझ सकता हूं कि जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कर्नल, आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी है। क्या? हमारे दो सैनिक नॉर्मैंडी में मारे गए और ये ओमाहा बीच पर, शॉन रायन, और ये यूटा में पीटर रायन, और ये पिछले हफ्ते न्यू गिनी में मारा गया डैनियल रायन। ये तीनों भाई हैं सर, और इनकी मां को अभी इन तीनों के मौत की खबर का टेलीग्राम पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं सर, इनका एक चौथा भाई भी है, सबसे छोटा। हमले की एक रात पहले वो 101st एयरबोर्न के पैराशूट में था। वो कहीं नॉर्मैंडी में है लेकिन पता नहीं कहां। क्या वो जिंदा है? पता नहीं सर। मेरे साथ आओ। नहीं। वो चारों भाई एक ही कंपनी में थे, 29th डिवीजन में, लेकिन हमने उन्हें अलग कर दिया था सलिवन भाइयों के जिनों में मरने के बाद। खैर, चौथे बेटे के साथ कोई संपर्क जेम्स? नहीं सर, उसे पैराशूट से न्यूएल के पास उतारा गया था, लेकिन फिर भी वो जर्मन लाइंस के बहुत पीछे। मैक, हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि प्राइवेट रैन को कहां उतारा होगा? जनरल शेफ के पहले रिपोर्ट में लिखा है कि 101st को उतारने के बाद वो कहां बिखर गई पता नहीं, काफी मिस ड्रॉप्स हुए। और अगर प्राइवेट रायन उस मिसड्रॉप से बच भी गया तो वो कहीं भी हो सकता है, शायद वो मारा भी गया होगा। और सच कहूं सर, अगर हम उसके लिए रेस्क्यू टीम भेज भी देते हैं
तो उन्हें उसे जर्मन सेना के बीच में ढूंढना होगा और ऐसा करते वक्त शायद हमारी रेस्क्यू टीम भी मारी जा सकती है। मेरे पास एक खत है जो बहुत पहले बोस्टन की मिसेस बिक्सी को लिखा गया था। धैर्य से सुनिएगा। प्रिय मैडम, मुझे युद्ध विभाग में ये फाइल दिखाई गई जिसमें मैसाचुसेट्स के जनरल का बयान है कि आप उन 5 बेटों की मां हैं जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की। आपके इस नुकसान को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरा कुछ भी कहना आपके इस दर्द को बिल्कुल कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं सकता हूं। रिपब्लिक की ओर से आपके बेटों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको इस शोक को सहने की शक्ति दे और आप उनकी यादों को हमेशा संजो कर रखें जो खो गए। आपके लिए ये गर्व की बात है कि आपने आजादी के लिए अपने वीर बेटों का बलिदान दिया। परमेश्वर आपको शक्ति दे। अब्राहम लिंकन। लड़का जिंदा है, हम किसी को भेजेंगे उसे ढूंढने के लिए और हम उसे वहां से निकालेंगे किसी भी कीमत पर। जी सर।